हाँ हाँ बोलिए, आवाज आ रही है आपकी, बताइए। हाँ हाँ, आपको आ रही है अभी आवाज? आपकी आवाज आ रही है, बताइए। हाँ अरे एक्चुअली सर, मैं आपको ये वो एक्चुअली मैंने वो ग्रुप ज्वाइन किया आपका कम्युनिटी, वो जो 7 दिन वाले फालतू के लोन ऐप्स है ना, वैसे कि मैंने पिछले हफ्ते गलती से, अभी मुझे अर्जेंट चाहिए था तो मैंने 2-3 इंस्टॉल कर लिए थे ओके। उसमें से वो लोन्स फॉर यू करके भी एक ऐप होता था, आपको पता है मे भी, वो अभी नहीं है प्ले स्टोर पे, 8 दिन पहले था बस ओके। तो आवाज आ रही है आपको? हाँ, आवाज आ रही है। तो हुआ ऐसे कि मैंने इंस्टॉल कर लिया ऐप को, बट मैंने फिर ध्यान नहीं दिया, मैंने 1 रुपए लोन नहीं लिया उससे, ठीक है। और फिर हुआ ऐसे कि पता नहीं 6 दिन होने के बाद उनके मुझे व्हाट्सएप पे कॉल और SMS, मैंने रजिस्टर तो किया था क्योंकि एलिजिबिलिटी भी चेक करनी थी, बट मैंने लिया नहीं था क्योंकि वो कम दे रहे थे, बस 1500 का। तो मैंने सोचा, मैंने फिर एप्लीकेशन आगे ही नहीं किया, तो उन्होंने जबरदस्ती मुझे मैसेज भेजना चालू किया वो +92 वाले पाकिस्तानी नंबर से कि आपको रिपेमेंट करना। मैंने बोला मैं बैंक स्टेटमेंट शेयर कर दूं, 1 रुपया क्रेडिट नहीं हुआ मेरे अकाउंट में, 1 भी रुपया क्रेडिट नहीं हो करके। तो उन्होंने बोला नहीं, आपको पेमेंट करना पड़ेगा, नहीं तो मैं आपके कॉन्टेक्ट को भेजूंगा। तो मैं एक्चुअली ऑफिस में थी और थोड़ा जल्दी में थी, तो मैंने फटाक से, मैंने सोचा बाद में देखेंगे, आप भी पेमेंट कर लेते, क्योंकि मैं उधर से उनके कॉल आ रहे थे और मैं हिल नहीं सकती थी, मीटिंग में थी। तो मैंने कर दिया पेमेंट 1500 रुपए, ठीक है। और फिर उन्होंने बताया, मतलब ऐप पे दिखा रहा था, ऐप से ही किया, उनके लिंक थ्रू नहीं किया, एप्लीकेशन में जाके किया। फिर एप्लीकेशन पे दिखा रहा है कि पेमेंट अनसक्सेसफुल, वो सब UTR वगैरह डाल के भी, स्क्रीनशॉट प्रूफ डाल के भी अनसक्सेसफुल, ठीक है। हाँ तो उसने फिर लगातार इवनिंग तक कॉल किया, बोला भी वापस करो वापस करो, मैंने कुछ किया नहीं, ठीक है। तो फिर कुछ घंटे शांत रहे वो, और मुझे लगा ठीक है वो भूल गए होंगे, मतलब एक मुझे लगा वो पीछे छोड़ देंगे, बट नहीं, दूसरे दिन 11 बजे अचानक उनका कॉल आता है कि यू हैव टू पे, यू हैव टू पे, अभी ओवरड्यू हो रहा है, ठीक है। तो ओवरड्यू का मतलब कैसे है कि 1500 और 165 रुपीज, ऐसे मिला के 1665 रुपए उन्होंने ये किया। और उन्होंने इस बार किया ये कि कॉन्टेक्ट लिस्ट भी भेजी, फोटो भी भेजा मेरा, सेल्फी जो मैंने लिया था व्हाट्सएप पर, धमकियां देने लगे। तो मैंने वो कर दिया, मतलब क्योंकि मैं डर गई, और कर दिया तो कर दिया। वो बंदे ने बोला कि अभी आपको पेमेंट डन है, और जैसे ही मैंने एप्लीकेशन में, मतलब जैसे ही वो चेक किया, एप्लीकेशन पे भी सक्सेसफुल दिखा रहा था, जो कि पहले नहीं दिखा रहा था। अभी एप्लीकेशन में 0 पेंडिंग पेमेंट ऑन माय साइड एंड द पेमेंट हैज बीन पेड। तो सबका स्क्रीनशॉट लिया प्रूफ का कि मेरा, मेरी तरफ से पेमेंट डन है, और एप्लीकेशन में अभी मुझे जैसे पहले दिखा रहा था ना ओवरड्यू, वैसे ओवरड्यू नहीं दिखा रहा था, पेमेंट डन करके, और उसका स्लिप भी आया, मतलब प्रूफ के तौर पे एप्लीकेशन पे। तो उस बंदे ने भी बोला डन है, तो अभी 24 घंटे से ज्यादा हुआ, मतलब 1.5 दिन हो गया ऑलमोस्ट, उनका एक भी कॉल नहीं आया मुझे। और उस बंदे ने भी कंफर्म किया अभी आपका पेमेंट डन है, और उनकी तरफ से ना कुछ। और मैंने फिर बाद में एप्लीकेशन का एक्सेस डिनाई डिनाई करके एप्लीकेशन ही अनइंस्टॉल कर दिया, बट प्रूफ भी लिया है कि पेमेंट डन किया है एप्लीकेशन के थ्रू। तो अभी देखो, आपको क्या लगता है, एक तो पहले तो मैंने लिया नहीं था, लोग लेके वापस नहीं करते, ठीक है। मैंने लिया नहीं था, मैंने 3500 रुपए अपनी जेब से दे उनको ऐसे ही, क्योंकि मुझे पता है मेरी गलती है, मुझे वो पैसे नहीं चाहिए उनसे, बट बाद में जिंदगी भर वो कॉल ना करे मुझे कभी, तो मैं क्या करूं। आपको लगता है अगर उनका मेरे से पीछा छूट गया, क्योंकि अगर करना था तो 2 दिन हो गए ऑलमोस्ट वो करते ना मुझे कॉल, तो मतलब आपको कि क्या लगता अभी तक कॉल मैसेज वो नहीं किए? अच्छा, है? नहीं किया, नहीं किया, क्योंकि मैंने 2 बार कर दिया ना पेमेंट। हाँ, और एप्लीकेशन पे भी जो पहले नहीं बता रहा था कि सक्सेसफुल, अभी बता रहा है कि सक्सेसफुल है, नो पेंडिंग पेमेंट, नो ओवरड्यू, और सबका स्क्रीनशॉट भी लिया मैंने एज अ प्रूफ, सबका, हर एक चीज का स्क्रीनशॉट है मेरे पास। तो तो आपको मतलब अभी नहीं करेंगे ना वो ये? नहीं, ज्यादातर क्या होता है, कितना लोग बोलते हैं कि 7 दिन बाद दोबारा उतना पेमेंट डाल दिए, उसके बाद फिर मतलब कि मांगना पैसा चालू। तो इसका स्टार्टिंग में करना क्या चाहिए था कि इसका रिपेमेंट नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये फ्रॉड एप्लीकेशन है बस वो तो इसका। मुझे पता है। हाँ बट इसका, इश्यू क्या है ना सर, हाँ हाँ हाँ, वो अभी नए लोगों को टारगेट करेंगे ना, इतने 1500 2000 लोगों ने डाउनलोड किया, मेरे पे थोड़ी ना टाइम वेस्ट करेंगे वो। और वो एप्लीकेशन अभी तो प्ले स्टोर पे भी नहीं है, वो नया ऐप बना के नए नाम नहीं, से।
वो एप्लीकेशन से मतलब नहीं, वो ऐसे भी एप्लीकेशन 4 दिन तक रहता है, उसके बाद वो नहीं रहता है, चाहे 7 दिन तक रहता है ज्यादा से ज्यादा। ऐसे भी प्ले स्टोर अच्छा पर वो एप्लीकेशन नहीं रहता है, उसके बाद वो हट जाता है। तो लेकिन क्या है कि वो जो एप्लीकेशन में रिपेमेंट करने के बाद वो लोग समझ जाते हैं कि ये सामने वाली पार्टी डर गई है, इसीलिए पैसा दे दिए। मान लीजिए आपको कोई ब्लैकमेल कर रहा है किसी भी चीज के लिए, वो काम करने में आप राजी हो जाएंगे तो उसका और मनोबल बढ़ जाएगा, उसका और हिम्मत बढ़ जाएगा, उसको लगेगा कि भाई ये जैसे जैसे ये कर रहे हैं वो चीज, कर हाँ रहा बट ये चीज हो, उन्होंने 8 दिन है। तो किया ना मेरे, मुझे ये टॉर्चर, तो नहीं 8 दिन तो लगे, बहुत 8 दिन बहुत के बाद मुझे नहीं लगता। नहीं, 8 दिन तो अभी कम है, बहुत लोगों का तो 2 2 महीना, 3 3 महीना, 6 6 महीना से वो पेमेंट करते जा रहे हैं, तब पर भी उन पर ऐसा ही धमकी कॉल आते जा रही है। तो ऐसा कोई ये अबे नहीं है कि फिर 8 दिन हो चाहे 10 दिन हो, लेकिन उनका एक ही सोल्यूशन है, पेमेंट ना करना। पेमेंट ना करने के बाद वो लोग खुद पीछा छोड़ देते हैं, 1 सप्ताह तक कॉल मैसेज केवल इग्नोर करना पड़ता है। हाँ नहीं, एक्चुअली आज मुझे 2 दिन दो नंबर से कॉल आया, बट व्हाट्सएप पे नहीं आया। एक तो इंडियन नंबर था, बट मैंने कोई भी कॉल ही उठाया नहीं उनका आज। अब वो है या नहीं, वो कोई और है मुझे नहीं पता, क्योंकि वैसे भी क्रेडिट कार्ड के इधर के भी फोन आते हैं अपने को, तो दस दस जैसे इंडियन नंबर रहता है ना 10 डिजिट, वो इंडियन नंबर से मुझे कॉल आया, तो मैंने कुछ मैंने उठाया ही नहीं, और व्हाट्सएप पे मुझे एक भी मैसेज नहीं है उनका, उनकी तरफ से, क्योंकि वो नहीं, एक पे हाँ थोड़ी हाँ ना टाइम वेस्ट करेंगे। सही बात है, वहां पर ये भी सही बात है, लेकिन उन्हीं पर वो लोग ध्यान देने का काम करते हैं जो व्यक्ति पेमेंट कर देता है, और उन पर ध्यान नहीं देते अच्छा हैं। जो पेमेंट नहीं करता उन पर ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि उनको पता है भाई इनके पास कितना भी फोन लगाए लेकिन पैसा नहीं देगा, इसको समझ में आ चुका है। और जो व्यक्ति पैसा दे रहा है तो उन्हीं पर वो लोग टाइम खर्च करते हैं, उन्हीं से पैसा निकलवाने का काम करते रहते हैं। बट अगर उनको करना रहता तो 2 दिन में अभी एक बार तो भी कॉल करते हैं मुझे, कुछ करते, मतलब क्योंकि देखो उन्होंने आई गेस ट्राई किया था कॉल करने का, मैंने उठाया नहीं। मतलब अगर वो रहे तो वो थे भी या कोई अलग था, मुझे नहीं पता अभी है। बहुत से नंबर के ऊपर के कॉल आते हैं, तो व्हाट्सएप पे तो नहीं आया कुछ। तो अभी आप मुझे एक बात बताओ, मैं देखो मेरी बदनामी भी नहीं होनी चाहिए और इनसे पीछा भी छूटना चाहिए, बस मुझे ये चाहिए, नहीं तो उसके तो लिए मैं क्या आप करूं? स्टोरी लगा दीजिएगा। मान लीजिए दोबारा कॉल करे, कॉन्टेक्ट लिस्ट का धमकी वो दे, सेल्फी भेजने का जो फोटो एडिटेड है, तो आप स्टोरी लगा दीजिएगा मोबाइल यहाँ पर हैक हो चुका है, व्हाट्सएप ग्रुप में लिंक आया था उस लिंक पर गलती से क्लिक कर दिया, उसके वजह से मेरा मोबाइल हैक हो चुका है। तो अगर अच्छा किसी पर भी कोई मैसेज आया तो उसको आप लोग इग्नोर कर दीजिएगा। बट मुझे ऐसा लगता है वो खाली धमकी देते हैं, वो भेजते थोड़ी ना होंगे, क्योंकि नहीं, उनको भी बहुत पता है लोगों पर कि भेज देते हैं ना, बहुत लोगों पर भेज देते हैं, बहुत लोग बोलते हैं कि यहाँ पर भेज दिया था सेल्फी का अरे फोटो। बाप रे। हाँ वही एडिटेड फोटो वो लोग भेजते हैं, इमेज वही डाउन, वही उल्टा सीधा जो भी है अपना लिख कर भेजते रहते हैं, तो कोई विश्वास थोड़ा ना करेगा भाई वहां पर, जो जान रहा है सो बट जान नहीं रहा है। ना, वो दिमाग में यही नहीं चाहिए मुझे, वो नहीं चाहिए ना, क्योंकि मेरी गलती नहीं है, मुझे पता है, मैंने बस यही गलती की वो फालतू का ऐप डाउनलोड मारा बस। बट ऐसे भी लोग हैं ना जिनका 10 दिन का पीछा छोड़ दिया है इन लोगों ने। हाँ छोड़ देता है, लेकिन अभी तक तो हमको ऐसा सुनने के लिए नहीं मिला कि भाई पेमेंट कर देने के बाद वो पीछा यहाँ पर छोड़ दिया। ज्यादातर तो यही सुनने अच्छा के लिए मिला कि वो इग्नोर किए, उसके बाद ही उनका पीछा छोड़ा, नहीं तो पेमेंट करते गए। कितना लोग अच्छा बोलते हैं, ऐसा कोई है कि इग्नोर किया और फिर उन्होंने मतलब, क्योंकि एक्चुअली मेरे माइंड में थोड़ा आइडिया है इसके रिगार्डिंग। खुद हम है, उसके बाद कितना लोग है भाई। वो 2 महीना से, दिसंबर महीने से वो एप्लीकेशन में फंस चुके थे, वो दिल्ली का एक बंदा था, और जो भी उसका मंथली इनकम आता था तो इनको पैसा देते जाता था, वो दे रहा बाप रे, था, और वो अपना घर का खर्चा चला रहा था यही एनबीएफसी एप्लीकेशन से लोन लेकर। वो खुद लोन लेकर घर का खर्चा चला रहा है और अपना सैलरी है इसको देते जा रहा है। उसके बाद हमसे बात किया, उनको बताया भाई इग्नोर आप कीजिए, तो उसके बाद वो इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया, उसके बाद 10 दिन बाद मतलब रिजल्ट सामने आ गया, पीछा छोड़ दिया सब उनका। अब 10 दिन में वो खाली डराते हैं ना कि भेजेंगे, बट भेजते तो नहीं होंगे मुझे लगता है। नहीं देखिए डराते रहते हैं, जो व्यक्ति डर जाता है ना उनको लगता है, देखिए दिन रात उनका वही काम है, जो व्यक्ति का जिस फील्ड में है दिन रात उसका वही काम है, तो उसका एक्सपीरियंस हो चुका है। मान लीजिए कि आप रोज बाइक चला रहे हैं, आप स्टंट कर रहे हैं, तो आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा भाई उसी चीज में,
उसी फील्ड में, तो आप वो काम कर दीजिएगा, जो सामने वाला पार्टी नहीं करेगा आप काम कर दीजिएगा, तो उसको पता चल जाता है ना कि बात करने का तरीका से कौन व्यक्ति डर रहा है। मान लीजिए जो फील्ड में है भाई, उसका दिन रात का यही काम है, तो वो काम चुटकियों से मतलब कि वो कर देगा, उसको पता चल जाएगा, वो देख कर पता कर लेगा कि आप कैसे हैं कैसे नहीं हो उस फील्ड में, क्योंकि है अजमा लेगा वो। इसीलिए वो लोग समझ जाते हैं बात करने के तरीके से, वो लोग समझ जाते हैं कि आप डर रहे हैं कि नहीं डर रहे। डरिएगा तो और आपको ये डराएगा, क्योंकि एक लड़की थी यूपी का, उन्होंने मतलब कि अप्लीकेशन से लोन ली, उसके बाद घर पर बताई नहीं, अपने मम्मी का नेकलेस था वो मतलब कि बेच दी पेमेंट करने के लिए। बाप रे। बट हाँ मैंने तो लोन लिया भी नहीं है, इन्होंने तो मेरे पैसे ऐंठे है ना। हाँ मेरे साथ तो वैसे भी नहीं हुआ, तो मेरे पास तो प्रूफ है कि इनके इनके ओर से मेरे अकाउंट में एक भी रुपया नहीं क्रेडिट हुआ, नहीं तो वो प्रूफ तो प्रूफ मुझे यहाँ पर काम नहीं ना करता है, क्योंकि भाई ये फ्रॉड है। ऐसे भी पुलिस के पास कंप्लेन करने से कोई फायदा यहाँ पर होता नहीं है, इतना फायदा होता तो ये लोग पकड़े जाते। ये आज से नहीं चल अरे रहा है, लॉकडाउन पाकिस्तानी से है चल रहा पा है। नहीं हमारे इंडिया में बाप बैठे हुए हैं पाकिस्तानी, कोई ये जरूरी नहीं है कि पाकिस्तान से भी है, सारा इंडिया में बैठा है। जब तक आप कहीं भी आप क्राइम कीजिएगा, वहां का मतलब कि आप नहीं आप जानिएगा उसके बारे में, तो क्राइम नहीं हो पाएगा। जरूरी नहीं कि वहीं से, यहाँ पर भी बैठा है ना साहब, यहाँ पर जितना पाकिस्तान में दुश्मन नहीं होगा, उतना इंडिया में हमारे भारत देश में दुश्मन बैठे हुए हैं। अच्छा तो मैं काम करूँ क्या? वैसे भी मेरे दो नंबर है, मैंने पर्सनल नंबर दिया नहीं उनको, कि मैंने रजिस्ट्रेशन मेरे ऑफिस का जो बिजनेस नंबर है ना उससे किया, ठीक है, और कॉल भी मुझे बिजनेस व्हाट्सएप पे ही आते थे। तो मैं काम करूँ क्या, मैं वो सिम कार्ड ही एक हफ्ते के लिए फोन से निकाल दूँ और व्हाट्सएप बिजनेस अनइंस्टॉल कर दूँ क्या? हाँ उसको आप एक हफ्ते के लिए आप बंद कर सकती हैं, तो वहां पर भी ठीक रहेगा भाई, वहां पर लगेगा कि कोई रिस्पांस उधर से नहीं आ रही है। बस इसका यही सोल्यूशन है, इग्नोर करना, जितना हो सके आप इग्नोर कीजिए, उतना ही बेटर यहाँ पर रहेगा। इग्नोर करना अच्छा इसका सोल्यूशन है, बाकी तो और कोई नहीं है। मान लीजिए आप रिस्पॉन्स आप देते जाएंगे तो बार बार तो मैसेज करता ही रहेगा ना। कोई भी व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति है, मान लीजिए आप मैसेज इधर से की, वो उधर से मैसेज किया, आप मैसेज इधर से किए, तू तो भाई मैसेज करेगा ही करेगा, क्योंकि उसको रिस्पांस मिल रहा है। उसके बाद इग्नोर करना स्टार्ट कीजिएगा, उसके बाद वो भी मतलब अपना चला जाएगा, काम खत्म। तो इग्नोर करना यहाँ पर सोल्यूशन है इसका, अच्छा इग्नोर। बस इग्नोर कीजिए, कॉल बट मैसेज काम खत्म हो जाएगा इसका। अच्छा एक हफ्ता मैक्स, क्योंकि वो हर एक को थोड़ी ना रोज टारगेट करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल बाकियों को भी बिल्कुल तो करेंगे। हाँ, वो और जैसे सिंपल मतलब है। हाँ, नहीं बोलिए क्या बोल रहे थे। बोल रहे थे कि मान लीजिए आप पर कॉल मैसेज एक सप्ताह बाद कॉल मैसेज आना, मतलब कि एक सप्ताह तक कॉल मैसेज नहीं है, तो समझिए कि आपका जो डाटा है डाटा डिलीट कर दिया है, जो आधार कार्ड जो सेव करके रखा है, पैन कार्ड, उसके बाद कॉन्टेक्ट लिस्ट का धमकी वो दे रहे हैं, चाहे सेल्फी, वो सारा चीज डिलीट कर देते भाई, क्योंकि वो कोई बड़ा कोई कंपनी नहीं है, कोई गूगल जैसा बड़ा कंपनी नहीं है कि उसमें मतलब कि पूरा स्टोर डिवाइस उसमें करके हाँ लगा है। हाँ तो ये अपना पेन ड्राइव में चाहे हार्ड डिस्क में लैपटॉप में सारा चीज इसी पर सेव कर कर वो लोग रखते हैं। बट और ये तो मतलब जानलेवा है ना, एक अगर कोई इंसान जानलेवा है, कमजोर है वो जानलेवा है, तो नहीं जानलेवा है, सुसाइड हाँ सुसाइड कर लेगा। हाँ जानलेवा है, बहुत लोग इसमें सुसाइड किए हैं। भोपाल का मामला यहाँ पर सामने आया था पिछले साल, उसके बाद कितना मामला सामने आता है जो हाईलाइटेड हो गया, जो जो देखिए आजकल क्या है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया उसी के बारे में चर्चा होती है। क्राइम तो रोज घटता है हमारे देश में, रोज क्राइम घटता है, अभी बात हो रही है, अभी क्राइम हो रहा होगा, किसी ना किसी के साथ मर्डर हो रहा होगा, किसी के साथ रेप हो रहा होगा, किसी के साथ कुछ और हो रहा होगा। जो वायरल हो गया, जो न्यूज में आएगा आ गया, उसी को कवर अप यहाँ पर किया जाता है, बाकी को छोड़ दिया जाता है। तो क्राइम तो भाई होता ही रहता है, हमारे ही तरफ से मतलब कि सुसाइड किया था, उसका 32 साल उसका एज था, और उसका दोस्त बता रहे थे 32 साल उनका एज था, और उनके शादी ठीक हुए थे, एंगेजमेंट हो गई थी, लेकिन वो सुसाइड कर लिया, बताइए इन्हीं क्या धमकी जिंदगी से। बर्बाद करते हैं लोग। बहुत लोग बहुत लोग बहुत लोग, किसी का मंगलसूत्र बिका है, किन्हीं का आईफोन बिका है, किनका एक कट्ठा जमीन बिक गया है पेमेंट करने के बाप रे। चक्कर बट में। तो ये फिर मुझे हाँ एक बात बताओ, अभी ये ऐप 8-9 दिन पहले प्ले स्टोर पे था, क्योंकि मैंने 6 या 5 तारीख को डाउनलोड करा था ये ऐप, ठीक है, अभी उसके 3-4 दिन बाद प्ले स्टोर पे है ही नहीं, तो मतलब वो नया ऐप बना रहे नए लोगों को टारगेट करने के लिए। सिंपल
हाँ, फिर वो नया एप्लीकेशन बनाएंगे, क्योंकि वो गूगल की तरफ से तो ब्लॉक कर दिया गया उस एप्लीकेशन को। मान लीजिए आप यूट्यूब चैनल क्रिएट करते हैं, कुछ ऐसा जो वायलेंट करे भाई, यूट्यूब का जो रूल रेगुलेशन जो नियम है उसका वायलेंट करे, तो कैसे स्ट्राइक पड़ जाता है, आपका चैनल टर्मिनेट हो जाता है, हमेशा डिलीट हो जाता है। आप नया चैनल बनाते हैं तो ऐसे वो भी नया बना रहा है एप्लीकेशन वो, हाँ फिर उसमें बट डालेगा। अगर अगर देखो उनको मेरा पीछा छोड़ना नहीं रहता था तो वो एप्लीकेशन पे मेरा पेमेंट सक्सेसफुल बताते ही नहीं। एप्लीकेशन पे मेरा 0 पेंडिंग है, 0 रुपीज पेंडिंग, सब ओवरड्यू क्लियर करके आ रहा है ऐसे सब। क्योंकि वो अनइंस्टॉल करने से पहले मैंने सारे चीज का स्क्रीनशॉट लिया, क्योंकि अगर वो उनको और ठगना रहता तो और बोलते थे पेमेंट अनसक्सेसफुल है, मिला ही नहीं हमको, और भेजो और भेजो, ऐसे करते तो थे ना वो। अगर उनको करना रहता था वो रुकते ही नहीं ना। मतलब मुझे अच्छा होगा अगर मेरे से सीरियसली वो डिलीट हो गया होगा मेरा डेटा उनसे। हाँ, ये भी हो सकता है आपका डाटा डिलीट कर दिया होगा, तो और 2 दिन नहीं खोला है, और देखिए यहाँ पर और 5 दिन देखिए कॉल में से नहीं आता है, तो समझिए आपका डाटा डिलीट कर दिया उधर से। अच्छा ओके। और फोन सिम कार्ड निकालने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी ना? हाँ, प्रॉब्लम तो सॉल्व यहाँ पर हो जाती है, क्योंकि कोई रिस्पॉन्स इधर से जाएगा नहीं, तो वो भी परेशान हो जाएंगे कॉल करते करते। क्योंकि वो तो बोलेंगे ना जब कि ये नंबर है ही नहीं अस्तित्व में, जो भी हमारे टाइम बोलते हैं ना इंडिया में, वो तो बिल्कुल। बोलेंगे ना कि ये नंबर है ही नहीं, सर्विस में ही है नहीं, तो क्या करेंगे वो। उसके बाद हाँ, वो डिलीट कर देगा, बाकी कोई यहाँ पर टेंशन नहीं है, अब उसको आप बंद कर सकती हैं यहाँ पर। फालतू के दलदल में फंस गए मैं। नहीं, इसमें काफी लोग फंसते रहते हैं ना, ये एप्लीकेशन तो अभी मान लीजिए प्ले स्टोर पर है, अवेलेबल है, ये एप्लीकेशन आईफोन में भी है, आईफोन अपने आप को सिक्योरिटी काफी ज्यादा बताता है, उसमें भी है। उसके बाद इंस्टाग्राम पर काफी एप्लीकेशन प्रमोट हो रहे हैं, स्टोरी में प्रमोट हो रहे हैं, रील में, ये सब एप्लीकेशन, क्योंकि उसको भली भांति पता है भाई कि पहले काफी लोग यूट्यूब देखते थे, यूट्यूब देखते थे, उसके बाद अब इंस्टाग्राम देख रहे हैं, सब कोई इंस्टाग्राम पर आ चुका है, जितना भी हाँ, लोग कि हैं ये इंस्टाग्राम। मेरा हाँ पासवर्ड या बैंक का पासवर्ड वगैरह हैक नहीं कर सकते ना, इतना नहीं कर नहीं, सकते ना ना, बस। वो नहीं होगा, केवल उसका एक्सेस उनके पास नहीं जाएगा ना। नहीं, उसका नहीं जाएगा, बैंक बैंक इतना ये नहीं है कि सिक्योरिटी उसका ये हो जाएगा, ये केवल कॉन्टेक्ट लिस्ट चला जाता है, केवल वो, मतलब कि वो केवल कर सकते हैं, गैलरी भी नहीं जा सकता है, केवल कॉन्टेक्ट लिस्ट, हाँ बस उसी के तहत डराते हैं बस वो नंबर जो हम लोग। रहता है, जिसका नाम रिस्पेक्टफुली सेव रहता है, उन्हीं पर वो लोग मैसेज उल्टा करते हैं। उनको ना इन लोगों को ना ऐसे, मतलब किसी ने ऐसे ठगना चाहिए, मतलब एक फोन लेना चाहिए जो यूज में नहीं है, एक नया सिम कार्ड लेना चाहिए, एडिटेड पेन और अदर बेच के और 0 कॉन्टेक्ट लिस्ट बेच के इनको ठगना चाहिए, पता नहीं है, तो इनसे ये, लोन लेना चाहिए। हाँ ये तो हम खुद कर चुके हैं ना, ये तो हम खुद कर चुके हैं आप 2022 में, करो, मैं बोलती हूँ अब हमको नहीं आप मिलता है करो। ना, अब हमको नहीं मिलता है, क्योंकि सब पहचानते हैं, अब यूट्यूब पर वीडियो बनाएंगे इसके खिलाफ में तो कौन नहीं पहचानेगा, चाहे एनबीएफसी एप्लीकेशन पर हम क्योंकि वीडियो बनाते हैं तो सब आपको जानते हैं, एनबीएफसी एप्लीकेशन, रोज जीमेल पर मैसेज आते चोर रहता की है। घर से चोरी करने में कोई बुराई नहीं है ना, सही हम बात है, थोड़ी बहुत, ना। हाँ वो बहुत लोग करते हैं, वो बहुत लोग करते हैं, और बताते भी है कि हम 80,000 लूटे हैं, भाई हम भी लूटे हैं 80,000, और जनवरी अच्छा, महीने में अस्सी भी, हजार लूटे हाँ हैं हाँ आपने, हाँ जनवरी अच्छा में, किया सर जी। जनवरी में 60,000, जनवरी में 60,000, और 2022 में अगस्त से सितंबर महीने में 80,000। अच्छा 2022 से चल रहा है, मुझे लगा 5-6 महीने हुए नहीं, बस ये ये बंद, लॉकडाउन से चल रहा है, ये लॉकडाउन जब लगा था उसी टाइम से चल रहा है, क्योंकि 4 साल से। हाँ, क्योंकि लोगों का हालात उस घड़ी खराब हो चुके थे, उसी टाइम में ये एप्लीकेशन आया था और एनबीएफसी एप्लीकेशन आए थे, लोगों को लग रहा था कि भाई 1 महीने में लॉकडाउन ओपन हो जाएगी, क्योंकि न्यूज पर भी दिखा रहा था कि इतना से इतना तक लॉकडाउन, उसके बाद नहीं, तो उस हिसाब से लोग हाँ लोन लिए, उसके बाद उनको क्या पता था कि 2 साल 2.5 साल तक लॉकडाउन रहेगा यहाँ पर, तो उसी में बिल्कुल ये सब राइट। फायदा उठाए आकर, किनको क्या पता है कि भाई ये ओरिजिनल एप्लीकेशन है कि फेक एप्लीकेशन है, जाए उसमें फंस गए वहां पर, और लोन दे भी रहा है कितना, 2200 दे रहा है, 1200, 2300, ऐसा ऐसे तो लोन दे रहा है यहाँ पर। चवन्नी बराबर हाँ, इतना कौन कौन ये लोन लेने जाएगा भाई, 2000 का, चाहे 2200 का, 2300 का यहाँ पर, और उससे डबल पैसा ये लोग मांगते हैं, और ब्लैकमेल काफी ज्यादा लोगों को करते हैं, बहुत लोग सुसाइड अच्छा, किए ऐसे होंगे। बहुत। हाँ क्योंकि आपके चैनल पे ही 600 के ऊपर लोग हैं, तो मैं सोच रही हूँ कितने लोगों के साथ ऐसे हुआ होगा। तो मतलब ये गलत है ना, मतलब जिंदगी बर्बाद के रख कर देंगे ये लोग।
हाँ, जिंदगी तो काफी लोग का ये बर्बाद करता ही है, क्योंकि जो भी था वो मतलब कि पेमेंट जाना, पैसा जाना, मंगलसूत्र बिकना, मोबाइल बिकना, जमीन बिकना, उसके बाद ज्वेलरी बिकना, काफी मतलब कि हरासमेंट ये लोग कर देते हैं काफी लोगों को। और एक बार मतलब जैसे अभी मैंने सारे परमिशन डिनाई करके अनइंस्टॉल कर दिया, जिंदगी में कभी ना इंस्टॉल करूँ ना मैं, क्योंकि अगर मैं फिर से इसको इंस्टॉल करती हूँ ये देखने के लिए कि मेरा कितना पेंडिंग है या क्लियर है, तो फिर से इनका ट्रिगर होगा ना कि मैंने इंस्टॉल किया है बिल्कुल ना? बिल्कुल, उनके पास नोटिफिकेशन चला जाता है ना, उसके पास नोटिफिकेशन चला जाता है कि आपने मोबाइल में इंस्टॉल किया एप्लीकेशन, तो उसके बाद ये लोग मतलब कि आपके अकाउंट वापस? में वापस उतना पैसा मतलब कि ये लोग डाल देंगे। हाँ अच्छा, लोन्स फॉर यू पता है क्या आपको? ऐसे बहुत से ऐप है ना इसके जैसे। इसके जैसे बहुत सा एप्लीकेशन है, इनका नाम ही मतलब कि अब नाम आदमी कितना इसका याद रखेगा, कोई कुछ एप्लीकेशन का नाम है, कोई कुछ एप्लीकेशन का नाम है। अभी आप गूगल पर देखिएगा फ्रॉड एप्लीकेशन का, तो 2-3 हजार, सेवन डे 5 हजार से एप्लीकेशन, ऊपर एप्लीकेशन का नाम शो होगा, बाप पांच रे। पांच हजार से ऊपर, क्योंकि ये एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर आए होंगे ऐसे 4 दिन के बाद रिमूव हो गए होंगे, आते गए रिमूव होते गए, आते गए रिमूव इनका होते गए, लाइफ कितना है? बस एक हफ्ता बस बस, इनका 1 हफ्ता, ज्यादा से ज्यादा 10 दिन, उसके बाद नहीं। पहले क्या था, उसके जब बाद हाँ ये गूगल ने तो नियम लिया है ना, गूगल ने मतलब कि इधर ही मतलब कि 1 साल से नियम लगाया है कि भाई ये नहीं रहेगा एप्लीकेशन, तब पर भी ये लोग आ जाते हैं। लेकिन पहले क्या था, लॉकडाउन में क्या था कि पूरा मतलब कि पूरा टाइम तक था, 2022 तक ये एप्लीकेशन सब था प्ले स्टोर पर, वहां पर एनबीएफसी एप्लीकेशन नहीं मिलता था, लेकिन ये लोग सबसे ऊपर में ये लोग एप्लीकेशन आते थे जो फ्रॉड एप्लीकेशन है, और काफी लोग फंसते थे उस टाइम में, बहुत लोग, बाप रे। अच्छा, हाँ बहुत लोगों का हरासमेंट किया, बहुत लोग मतलब कि अपना सुसाइड उसाइड लोग किए, बहुत लोग वहां पर। ये तो क्योंकि यार मतलब इज्जत कमाने में बहुत टाइम लगता है, गवाने में एक हाँ मिनट, हाँ तो हाँ ऐसी हाँ बात हाँ है। हाँ बहुत लोग, बहुत लोग। अब अभी हमारे ही मतलब कि जिस स्टेट से हम बिलोंग करते हैं, स्टेट तो नहीं बोलेंगे, जिस एरिया से हम बिलोंग यहाँ पर करते हैं, तो ज्यादा दूर यहाँ पर नहीं होगा, लेकिन मतलब कि 5-6 किलोमीटर होगा। तो मतलब कि उधर से मतलब कि इंस्टाग्राम पर आया लड़की का मैसेज आया कि जो ये फ्रॉड एप्लीकेशन है पूरा मतलब कि हमारा इमेज को खराब कर दिए हैं, और बच्ची मतलब कि उस वो 11th क्लास में मतलब कि होगी उस टाइम। है हाँ मतलब हाँ हाँ छोटी हाँ है। हाँ हाँ तो घर वाले उसी टाइम मतलब कि शादी करना स्टार्ट कर दिए, क्यों? इसकी हाँ वजह से हाँ हाँ इसी की वजह से, क्योंकि भाई अजीब अजीब सा फोटो लगा लगा कर भेज रहा था किसी और लड़के के साथ, किसी और लड़के के साथ मतलब कि अटैच कर कर सारा चीज भेज रहा था, तो घर वालों को मतलब कि शक हुआ, क्योंकि भाई ओल्ड माइंडेड है ना, पहले का मतलब कि लोग हैं, उसके बाद मतलब कि जो भी है गाँव का हाँ। जैसे मतलब कि दिमाग यहाँ पर है, तो उसी हिसाब से मतलब कि शक यहाँ पर हुआ, तो सोचे कि भाई यहाँ पर लड़की हाथ से निकल जाएगी, चलो इसका शादी विवाह करा दिया जाए, बाद में यहाँ पर देखा जाएगा यहाँ पर जो होगा, तो उसके बाद शादी करा दी गए। नहीं, शादी नहीं करा दिया गया। उसके बाद मतलब कि हम बोले इंस्टाग्राम पर बोले कि बात कराइए पिताजी को, हम बताते हैं कि ऐसा ऐसा मामला है, नहीं तो वीडियो हमारा दिखाइए, सबसे पहले वीडियो दिखाइए भाई, यदि वीडियो से विश्वास नहीं होता है तो उनसे बात कराइए, हम उनको बताते हैं, चाहे अपने भाई से बात कराइए, उनको हम बताते हैं कि ऐसा ऐसा ये मामला है, ये सारा चीज चल रहा है, उसने बाकी रिपेमेंट नहीं किया था नहीं क्या नहीं भाई? वो उसने रिपेमेंट नहीं किया था, उसने रिपेमेंट अच्छा नहीं किया अच्छा था इसी वजह से काफी वो लोग भेजना स्टार्ट कर दिए, उनके पिताजी पर गया था, व्हाट्सएप पर गया था, भाई पर भी गया था, और रिलेटिव पर भी गया था। तो आपको पता है कि रिलेटिव बाप रे, पर हमारे इंडिया में रिलेटिव कितना एक्टिव हो जाते हैं, बहुत घर घर इज्जत। हाँ हाँ हाँ, तो उसके बाद कलेश मतलब करते हैं। हाँ तो बात विचार यहाँ पर होना स्टार्ट हुआ, तो भाई जो भी था मतलब कि यहाँ तक नौबत यहाँ पर आ गई। एक शादीशुदा मतलब के लोग थे यहाँ पर, उनका नया नया मतलब कि शादी हुआ था, ज्यादा से ज्यादा 2-3 दिन यहाँ पर हुआ होगा, उनसे भी बात यहाँ पर किए, वो 1.5 साल मतलब कि हो गया बात किए हुए। तो उनका क्या था कि मतलब कि नया शादी हुआ था, तो इनका किसी और औरत के साथ फोटो लगाकर भेज रहा था उनके वाइफ पर, क्योंकि सारा कॉन्टेक्ट रिसाइक कर लिया था, वो ऐसा फोटो एडिट किया था भेज रहा था उन पर, सेल्फी वाला फोटो लगाकर। तो बताइए कि अभी नया नया शादी हुआ था, शादी में मतलब कि यहाँ पर नौबत मतलब कि बहुत खराब यहाँ पर आ गई थी, शक यहाँ पर होने लगा था। तो उसके बाद हम बोले कि भाई ऐसा वैसा कुछ यहाँ पर टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है,
दिक्कत होता है तो आप भी अपने घर में वीडियो दिखाइए, फैमिली को वीडियो दिखाइए, तो ऐसा कोई बात नहीं है। और ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिए ताकि भाई कोई भी लोग है वो देखे तो समझे भाई। कोई कितना लोग है कि YouTube पर नहीं सर्च करते हैं, सारा चीज भुगत लेते हैं उसके बाद YouTube पर सर्च करते हैं। हाँ वही, और उस बंदे ने भी जिसका शादी तो उसने भी रिपेमेंट नहीं किया था क्या? नहीं वो रिपेमेंट किया था, वो रिपेमेंट किया था तब पर वैसा हो रहा था उसके साथ। हाँ रिपेमेंट मतलब इसका कुछ ऐसा नहीं है कि करने ना करने पे, इनको किसी को भी लगे तो वो कर देते हैं ऐसा? हाँ 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 किन्हीं को भी ये टारगेट पे लगे तो ये लोग कर देते हैं, तो इनका यही मजरा मतलब कि सारा चीज चलते रहता है। तो उस टाइम में काफी लोगों का नॉलेज नहीं रहता ना, अब क्या है कि काफी लोग समझ गए हैं। मुसलमान लोग है क्या ये? हाँ काफी ज्यादा पाकिस्तानी है, काफी ज्यादा इसमें मुस्लिम मतलब इन्वॉल्व है, बांग्लादेश से भी है, यही सब पड़ोसी देश जितना भी है यही सबसे है, सब बैठा है सब। ये सारा हमको तो लगता है चाइना फंडेड करता है, चाइनीज एप्लीकेशन है ना, चाइनीज एप्लीकेशन है, चाइना फंडेड करता होगा तो ये लोग करते हैं काम। अब शुक्र मनाइए कि गैलरी हैक नहीं करता है, तो गैलरी हैक करना स्टार्ट कर दिया तो अभी हमसे लोग बात करने नहीं आएंगे, वो सीधा सुसाइड करेंगे। हाँ ना सीरियसली, तो आप मुझे वही सजेस्ट करोगे ना कि जितना हो सके इग्नोर कोई। देखो मैं पेमेंट तो कर चुकी हूँ 2 बार और मेरे पास प्रूफ भी है, तो देखो इतना इतनी नौबत तो नहीं है कि ज्यादा से ज्यादा मुझे वो कॉल करेंगे, इतना मुझे पता है, बट उसके आगे तो कुछ नहीं करेंगे। आपको नहीं क्या लगता उसके है? उसके आगे तो वो कुछ नहीं करेंगे, ज्यादा से ज्यादा कॉल वो लोग करते रहेंगे। वो देखिए मेन बात क्या है ना कि स्पेशली वो लोग टारगेट लड़कियों ही के करते हैं, समझ गए हैं। वो चाहते हैं कि हमारे एप्लीकेशन से लड़की लोन ले, क्योंकि भाई लड़के जो होते हैं उनका मतलब कि मान लीजिए हम लोगों का कोई लड़की के साथ भेजेगा तो भाई उतना मतलब कि कुछ नहीं होगा, समझ गए हैं, उतना कुछ नहीं होगा, बाद में लोग भूल जाएंगे यहाँ पर, हम बता देंगे भाई ऐसा ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं है। लेकिन लड़की के साथ फोटो यदि लड़का का भेजा जाए रिलेटिव के पास तो समझ रहे हैं कितना बवाल यहाँ पर होगा ना, बहुत ज्यादा बवाल हो जाएगा। ट्यूशन जा रहे हैं तो ट्यूशन आपको बंद करा दिया जाएगा, स्कूल बंद करा दिया जाएगा, घर में बैठा दिया जाएगा, मोबाइल फोन सारा चीज रख लिया जाएगा। तो कहने का मतलब यही है कि वो लोग चाहते हैं कि इससे लड़की लोन ले, उसको और ज्यादा डराए, उसको और ज्यादा धमकाए। हाँ तो इनका मेन टारगेट वही रहता है। मेरे जहन में मतलब एक आइडिया आया था कि अभी ना चलो एक अभी एक्स वाई जी बंदे को अगर मुझे ऐसे कल लगा कि उन्होंने मुझे कॉल की ना, तो मैं एक आइडिया करूंगी। मैंने एक्चुअली ऐसे करके चैट किया है दूसरे फोन से, खुद ही चैट किया है, ठीक है, और ऐसे जताया कि मैं उसकी बहन हूँ, मतलब पूजा की बहन, मेरा नाम पूजा है। तो और ऐसे उसमें चैट में है कि पूजा एक्सीडेंट में मर गई, ठीक है, और ऐसे उस गाड़ी का पूरा डैमेज, गाड़ी इसका फोटो उसका फोटो पूरे चैट में है, ये प्रूफ कि पूजा मर गई। तो अगर कोई कॉल करता है तो मैं ऐसे जताऊंगी कि मैं उसकी बहन बोल रही हूँ, उसकी कल डेथ हो गई, एक्सीडेंट हो गया, ट्रक ने उड़ा दिया उसको, तो और इसके फोटोज भी भेजूंगी कि डैमेज थे गाड़ी ये वो। हाँ, तो मरे हुए इंसान की तो इमेज बिल्कुल भी ऐसे भी हो सकता है, क्योंकि एक लड़का था उन्होंने मतलब उन पर काफी ज्यादा ये लोग हरासमेंट कर रहे थे, कॉल कर रहे थे, तो वो अपने दोस्त से मतलब कि जैसे ही कॉल आया तो उसके बाद बुलवा दिया कि भाई वो सुसाइड मतलब कि कर लिया, उसके बाद ये लोग फोन ऑटोमेटिक मतलब कि डिस्कनेक्ट कर दिया, वो कॉल करना ही बंद कर दिया। अच्छा ये आइडिया अच्छा है ना, बट मेरा कि मरे हुए इंसान की इमेज खराब करने में उनको क्या क्या फायदा? नहीं उनको थोड़ा डर लगेगा ताकि मतलब कि आईटी सेल हो काफी एक्टिव हो जाएगी, क्योंकि सुसाइड का मामला है ना, क्योंकि मर्डर का मामला है भाई यहाँ पर, ऐसे तो धमकाना काफी ये बात है। मान लीजिए किसी को आप धमका रहे हैं वो सुसाइड कर लिया चाहे कुछ भी यहाँ पर कर लिया, तो वहां पर तो डर तो किसी को भी लगेगा कि अब तो मतलब हम बचने वाले नहीं है, हमारे वजह से वो सामने वाले पार्टी सुसाइड कर ले। हाँ तो यही रीजन है वो लोग पीछा यहाँ पर छोड़ देते हैं ये सब करने के बाद, तो ट्राई कीजिए ये तो मतलब, यदि कॉल करता है तो। ये अच्छा है ना, अगर क्योंकि मैंने चैट ही ऐसा किया है, मतलब मैंने चैट में ऐसे जताया है कि मैं उसके सिस्टर और मैं ऐसे जता रही हूँ कि पूजा ने ऐसे पूजा के साथ ऐसे ऐसे हुआ है, उसका एक्सीडेंट हुआ है और वो ऑन द स्पॉट चली गई और गाड़ी के ऐसे नहीं क्या जो गाड़ी पूरी ऐसी खराब हो गई, उसका कंडीशन, उसका फोटो, तो उनको लगना चाहिए रियल कि चलो सच में उसके साथ ऐसे हुआ, क्योंकि एक्सीडेंट तो कभी भी हो सकता है किसी के साथ। सही बात है। हाँ ये आइडिया कैसा है? ये आइडिया बेटर है, ये वर्क कर सकता है, यदि कॉल करता है तो आप ये जरूर आप ट्राई कीजिएगा।
नहीं तो तो काफी ये बात लोगों तो है। को हम यही सजेशन देते हैं कि जब जब ये कॉल करे तब तब भाई गाली दे इनको। नहीं, उससे बेटर तो मुझे ये है, क्योंकि वो अगर कोई इंसान है ही नहीं तो उस पर